Hello friends, this is Madiha from Housewife Tales. Please like and subscribe my channel for latest updates. ये नावल किस्तवार है, इसका नाम है शाम की हवेली में और इसको तहरीर किया है रुखसाना निगार अदनान ने। लोई लोई भरे कुड़िये जेतु भांडा भरना, शाम पई पन शाम मोहम्मद घरजा नदी ने डरना। तुम्हें रात विछोड़े वाली पलझल सखियां भाने, जो कोई कैद इश्क दे अंदर कदर ओही कुछ जाने। मोहम्मद बख्श का कलाम बड़ी दिल सोजी से पढ़ता, अपने देहान में गुम हुआ वक्फे वक्फे से लाठी जोरदार तरीके से ज़मीन पर मारता, गलियों गलियों फिरता, दीन मोहम्मद दूर होता चला जा रहा था। इसकी भारी आवाज़ की गूंज भी फिजा में मुर्तइश होती अब बिल्कुल गुम होती जा रही थी। लोई लोई भरिए कुड़िए जेतु भांडा भरना, इसके अंदर जैसे कोई होले होले इन लफ्ज़ों को बार बार दोहराता जा रहा था। एक ही लाइन की तकरार, इसने बेचैनी से करवट बदली, फिर वही लाइन। वो झल्ला के उठते हुए बोली, इस दीन मोहम्मद की समझ में नहीं आता, जितनी बार मर्जी समझा लो, अपने दिल के फफोले अपने दिल तक रखा करे ना। सारे जग को सुनाने ढंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत है, मगर वो कहाँ बाज आने वाला है। उड़ गई नींद, नींद की तो यूं भी इसके साथ बड़ी पुरानी दुश्मनी थी, अब तो नींद की गोलियां भी असर नहीं करती थीं। इसने बेबसी से कमरे में फैले अंधेरे को देखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ जैसे बंद दरवाजे खिड़कियों को कोई पूरा जोर लगाकर धक्का दे रहा हो, अंदर की तरफ धकेल रहा हो। फिजा में शोकरें भरती सरफिरी हवा की आवाज़ें इसने कान लगाकर सुनी, वो तेज़ी से उठ बैठी। खिड़की खोली तो जैसे धक्के देती हुई पूरी ताकत से जोर लगाती हवा अंदर की तरफ उसे धकेलने लगी। मिट्टी की खुशबू के साथ मरहूले बल खाते सारे में जगह घेरने लगे। दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते सारे कमरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करते हुए इसने ऊपर की तरफ देखा, ऊपर वाले बरामदे में गुप अंधेरा था। शाम से जो दिया वहाँ जलाया जाता था वो हवा और आंधी के जोर से जाने कब का बुझ चुका था। उससे लगा जैसे किसी ने इसके दिल को मुट्ठी में ले लिया हो। वो वहीं सहन की सीढ़ियों के कदमों में बेदम सी होकर बैठ गई, और ये कोशिश फजूल है, बिल्कुल फजूल। यूं दिया जलाना और इसे हवा के सुपुर्द करके इसके जलते रहने की उम्मीद रखना इसकी आँखों के किनारे भीगने लगे। साथ ही आसमान से टप टप गिरती बूंदें एक तवातुर से इसके अंदर बरसने लगें। अंदरूनी शहर में सुबह बहुत जल्दी और बड़े हंगामी अंदाज में होती है। बाहर से आने वाले मुसलसल शोर, रेड़ी फरोशों और खांचा वालों की गला फाड़कर सुबह सवेरे बोहनी कमाने के लिए सौदा बेचने का शोर उसे मुसलसल करवटें बदलने पर मजबूर कर रहा था। ऊंची छत के बने कमरे में बड़ी बड़ी पुरानी तर्ज की खिड़कियां जिनमें लगे रंगदार शीशों से सुर्ख सब्ज खुरमुजी नीली शुआओं में से उसे बार बार उठ जाने की तरगीब आ रही थी। खिड़कियों के आगे पर्दे लगे थे, मगर खिड़कियों से ऊपर भी रोशनदान था। रंगीन शीशों की खूब सजावट की गई थी। जो भी शीशा गली में खेलने वाले बच्चों की क्रिकेट बॉल से शहीद होता तो इसकी जगह कशफ के लाख शोर मचाने के बावजूद जैनब पूरे शहर में ढूंढ ढांड के वैसा ही या मिलता जुलता शीशा लगवा लेती फिर से। कसम से आनी, आपको तो महकमाए आसार कदीमा का सरपरस्त आला होना चाहिए था, आई मीन चेयरमैन टाइप की कोई चीज़। महकमा आसार कदीमा का सरपरस्त आला, उर्दू तो तुम्हारी बड़ी शानदार होती जा रही है भाई, ग्रेट। जैनब उल्टा इसका मजाक उड़ाती, पता नहीं क्यों आप इस सदियों पुराने कौमी विरसे को सीने से चिमटाए दूध पीते बच्चे की तरह संभाले जा रही हैं, अब तो इस खंडर में रहते हुए भी खौफ आने लगा है। कसम से कशफ बहुत बेजार हो चुकी थी इस पुराने उम्र रसीदा घर से। तुमने खुद ही जवाब दे दिया, कौमी विरसा तो मेरी जान, जो कौमें अपनी विरसे की हिफाजत नहीं करती, दूध पीते बच्चे की तरह उसे सीने से नहीं लगा कर रखती, इनके जवाल की कहानी आने वाले लोगों के लिए सिर्फ एक दास्तान इबरत ही बन के रह जाती है। जैनब के पास कशफ की हर चिड़चिड़ाहट का ऐसा ही मजीद चिड़ा देने वाला जवाब तैयार होता था। फॉर गॉड से एक ना मुझे हिस्ट्री से कोई इश्क है और ना दास्तान है इबरत वगैरह सुनने बुनने में। वो वाकई इससे चिड़ चली थी और वहाँ से चली गई। ये मछली मंडी का शोर मुझे सोने नहीं देगा, इसने झल्ला कर चादर एक तरफ फेंकी। आंखें अभी भी नींद से भारी थीं, इसने तकिए के नीचे पड़ा फ़ोन उठाकर वक्त देखा। दीवार पर लगा वॉल क्लॉक पिछले एक हफ्ते से 12:15 पर रुका हुआ था। सेल लाना दोनों ही भूल जाती, उफ अभी तो 7:30 भी नहीं हुए, क्या मुसीबत है यार। इसने झल्ला कर तकिया सीधा करके फिर से सोने की कोशिश की। आँखें बंद करके वो कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी, सिर्फ सो जाना चाहती थी कुछ देर और।
आड़ू ले लो, आम ले लो, चमन का अंगूर, कंधारी अनार, सेब भी है। ज़ोरदार आवाज़ में फल फरोश की आवाज़ से वो बेसाख्ता डरकर हल्की सी चीख मारती उठकर बैठ गई। क्या मुसीबत है, मर जाएं अल्लाह करे सारे जो इस गली से गुजरते हैं। आसमान तक दीवारें चुनी जाएं, इनके आगे रास्ते बंद हो जाएं, सारे इनके अल्लाह करे इनके गले बैठ जाएं, मनहूसों की आवाज़ें बंद हो जाएं, गूंगे हो जाएं ये सारे। गुस्से, बेबसी और रंज में वो ऊंची ऊंची बदवाएं देने लगी थी, बस ऐसे जैसे रोने लगेगी। तकिया चादर एक तरफ फेंक कर बालों पर हाथ फेरती वो जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में टहलने लगी। इसके सेलफोन में चिड़िया के चहकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस होगा किसी मनहूस का फॉरवर्ड मसनूई दुआओं से लबरेज मैसेज, सारे दूसरे की भलाई की खातिर दोहरे हुए जा रहे हैं। इतना खुलूस होने लगे इन रिश्तों और दोस्तों में तो मालूम नहीं हमारा माशा जन्नत गुमगुश्ता ही ना बन जाए, फिर तो कोई बहिश्त की आरजू भी ना करे। कहकर इसने सेलफोन उठाकर बालों पर हाथ फेरते हुए सरसरी देखा, फिर बेजार होकर फ़ोन वापस पटक दिया। कुछ देर यूं ही खड़ी रही, फिर चप्पल पैरों में अड़स्ती बाहर को लपकी। सोनिया ने गरम चाय लाकर भरे हुए डाइनिंग टेबल पर रख दी। ताहिरा बेगम ने एक नज़र सोनिया को और इन्हें मार्क से नाश्ता करते आज़र को देखा। फिर क्या सोचा तुम दोनों ने आज़र, उन्होंने खंखार कर गला साफ करते हुए ज़रा रोबदार लहजे में कहा। और अगरचे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी कि जितना रौब इनकी शानदार सरापे से झलकता था, पहली बार इनसे मिलने वाला भी ख्वामोखा ही रौब में आ जाता था। वो बात बहुत नपे तुले अंदाज में करती थी, इसीलिए सोनिया ने एक उसूल बना लिया था कि जब भी इनकी सास आज़र की मौजूदगी में इससे बात करेंगी तो वो ज़बान दांतों तले दबाकर ख़ुद को बिल्कुल खामोश रखेगी। आज़र ही को पहले बोलना पड़ता, सो आज भी यही एहतियात सोनिया के काम आ गई। कौन सी बात अम्मा जान, आज़र को यूं भी ऑफिस जाने से पहले घर का हर नरम गरम मामला भूल जाया करता था। हस्ब तवक्का ताहिरा बेगम के माथे पर नागवारी की शिकनें उभरी थीं और सोनिया जान चुकी थी इनका इशारा किस बात की तरफ है, लेकिन आज भी इसने अपना तीर बहदफ नुस्खा तर्क नहीं किया। सर झुकाकर खामोशी से शोहर और सास के मगों में गरम चाय उंडेलती रही। जवान बेटियों के बाप हो आज़र, अब तुम्हें ये लापरवाही जेब नहीं देती। इनका फहमाइशी अंदाज आज़र को बेख्तियार ठटका गया। तेज़ी से नाश्ता करते इनके हाथ वहीं थम गए। एक सवालिया सी नज़र सोनिया की तरफ डाली और जैसे मामला समझकर हल्का सा सर झटका। लेकिन एक बात आप भी भूल जाती हैं अम्मा जान, आपने तो अभी तक मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, बच्चा नहीं रहा। मुस्कुराकर दांत तलब नज़रों से माँ की तरफ देखा, जहाँ हनूस संजीदगी तारी थी। जाहिर है हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, और रमशा के बारे में आखिरी फैसला तो आप ही का होगा, बल्कि हमजा का भी इख्तियार आपको ही होगा। क्यों सोनिया, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आखिर में बड़ा ज़ोर देने वाले अंदाज था जैसे सोनिया इन्हें इन सारे मामलों का अख्तियार अपनी अम्मा जान को तफवीज़ करने का फैसला बर रज़ा और रग़बत कर चुकी है। जी, फिर से अपने तासुरात को छुपाते हुए सोनिया ने रुख फेर कर यूं ही पीछे देखा था कि सास इसके आंखों में न झांक ले। खैर, आखिरी फैसला तो तुम दोनों को ही करना है, बहरहाल माँ बाप तो तुम ही हो, और मैं कोई उम्र खिजर लिखवा कर नहीं आई कि सब कुछ यूं ही चलता रहेगा और मैं तुम लोगों के सरों पर बैठी रहूँगी। हमेशा की आदत थी आबदा बेगम की, जूता हमेशा सामने वाले को मखमल में ही लपेट कर मारती थी, बल्कि कोई भी बड़े से बड़ा फैसला, बड़े से बड़ा फेल वो तहजीब के दायरे में रख कर करना मोतबर समझती थी। मेरी प्यारी अम्मा जान, मेरी तो दुआ है हज़रत खजर भी आपसे उम्र के कुछ साल उधार मांगने आ जाएं, आपको मेरी हम सबकी उम्र भी लग जाए। आज तो आज़र ने लाट की इंतहा कर दी, चाय इतनी कड़वी नहीं थी जितनी सोनिया का हलक कड़वा कर रही थी। आज़र ने उठकर बड़े अहतमाम से माँ के गले में बाहें डालकर बाकायदा इन्हें प्यार किया था। ताहिरा बेगम तो जी जान से निहाल हो गई, मगर हस्ब आदत कुछ भी ज़ाहिर नहीं होने दिया। हल्का सा प्यार करते हुए बेटे की तसल्ली की और यूं भी भर जाने वाली आंखों को गोशों से साफ़ किया। नाश्ता ठंडा हो रहा है तुम्हारा, फिर कहोगे ऑफिस से देर करवा दी। वो अक्सर बड़े तरीके से किसी भी भरपूर जज्बे को किसी और जज्बे में ढाल दिया करती थी। प्यार को परवाह और फिक्रमंदी में, शदीद गुस्से और नफरत को परेशानी और अनदेखे अंदेशों में बदलने में इन्हें कोई हरा नहीं सकता था। ये बच्चे कहाँ रह गए हैं, नाश्ता भी ठंडा हो रहा है और फिर शोर मचाएंगे, तीनों के इन्हें देर हो रही है। वो एक बार फिर बड़ी सफाई से मौजू बदल चुकी थी। मैं अभी देख कर आती हूँ, रिदा तो तैयार हो रही थी, रमशा उठने में बहुत सुस्त है, हमजा की शायद आज क्लास नहीं हो सकता है, ऑफ करे, वो कहती हुई जाने लगी, फिर रुक गई। रिदा पीच एंड पिंक कलर की खूबसूरत कट की शॉर्ट शर्ट और पर्पल कलर के लाइट एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउज़र में इतनी खिली, इतनी रोशन लग रही थी कि सोनिया को बेख्तियार इससे नज़रें चुरानी पड़ गईं। रिदा को देखकर बरसों पहले के बहुत से मंजर अक्सर इनकी आंखों में
किसी अनदेखी तितली के रंगों की तरह आ बैठते थे। वो लाख आंखें झपकती, ना सोचना चाहती, ना पीछे मुड़कर देखना चाहती, मगर फिर भी कुछ खो देने का एहसास बढ़ता ही जाता था। रिदा बाप और दादी से गर्म जोशी से मिलकर अब अपनी कुर्सी को खींच कर बैठ चुकी थी। सोनिया इन्हीं कदमों पर गुमसुम खड़ी थी कि रमशा कॉलेज यूनिफॉर्म में मुस्कुराता चेहरा लिए माँ से आकर लिपट गई। गहरा सांस लेते हुए सोनिया बेख्तियार मुस्कुराई थी। रमशा हमेशा ऐसे ही किसी मौके कहीं से भी अचानक इसके साथ आकर खड़ी हो जाती थी, इसका अनदेखा सहारा बनकर। वो तो उसे बाजू पकड़ कर बिठा भी चुकी थी। मेरा कॉन्फ्लेक्स किधर है मामा, रमशा ने शोर मचाए। फॉर गॉड्स सेक रमशा, कब तक बच्ची बनी रहोगी, रिदा ने उसे टोका। हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा है ये रिदा, और हम तो चाहेंगे ये हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे, तितली के जैसी खुशी भरी उड़ानें भरती रहे। ताहिरा बेगम को भी इस पर टूट कर प्यार आया था। इन्हें रमशा और हमजा से ज़्यादा रिदा से प्यार था, ये भी सच था। स्वीट ग्रैनी, आप मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट हैं, वरना तो यहाँ कोई भी मुझे खुलकर सांस ही ना लेने दे। वो भी दादी की मोहब्बत पर फैल गई सोनिया इसके लिए कॉन्फ्लेक्स लाकर इसके आगे रख चुकी थी। तुम कॉलेज से लेट हो रही हो रमशा, जल्दी करो, सोनिया का अंदाज तंबीह ही था। पापा मुझे ड्रॉप करेंगे ऑफिस जाते हुए, भाई तो अभी सोए पड़े हैं मज़े से, वो बेजारी से बोली। ऑफिस आज़र अपना ऑफिस का बैग चेक कर रहा था। रिदा तुम इसे ड्रॉप कर जाना ऑफिस जाते हुए, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, यह कहकर वो बैग लेकर खड़ा हो गया। सॉरी पापा, मेरी तो एग्जैक्ट 9 o'clock बोर्ड मीटिंग है ऑफिस में, मैं तो आज ज़रा भी लेट नहीं हो सकती और अफोर्ड ही नहीं कर सकती लेट होना। प्लीज़ आज तो आप ही रमशा को ड्रॉप कर दीजिए। रिदा ने फ़ौरन इनकार करते हुए जूस का अथपिया ग्लास रखा, टिशू से होंठ साफ करती उठकर जाते हुए माँ और दादी से मुसाफिहा करके जाने लगी। रिदा अपी, आप बहुत गज़ब ढा रही हो, बोर्ड मीटिंग में सब इस तरह तैयार होकर आएंगे तो खाक मीटिंग करेंगे सब। रमशा इसके नाजुक सरापे पर सजे स्टाइलिश फिट लिबास को देखते हुए सताइश भरे अंदाज में बोले। तो सोनिया के साथ एक नज़र आज़र ने भी रिदा को देखा, और जैसे दोबारा देखा कुछ ऐसी ही नज़र ताहिरा की भी थी, लेकिन दूसरे लम्हे इनका अंदाज बदल चुका था। इधर आओ मेरी बच्ची, आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मार दूँ अपनी बच्ची को, किसी की नज़र ना लगे, हर शर से महफूज रहे मेरी गुड़िया, दादी ने बुलाकर आयत पढ़कर फूंकी। सोनिया अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगी थी। कश्यप ने बाहर आकर सहन में लगे पिंजरों में शोर मचाते तोतों के जोड़े को झाँक कर देखा। इनके पिंजरे को 2-3 गोल चक्कर दिए, दूसरे लम्हे बेजार होकर आसमान पर उड़ते कबूतरों की डार को देखा। नीचे वालों के जुगनू ने छत पर कई दर्जन कबूतर पाल रखे थे, सो दिन भर इनके सहन से नज़र आता आसमान कई बार इन कबूतरों के परों की फड़फड़ाहट और इनकी छाँव में घिरा नज़र आता, और वो सारा दिन छत पर चढ़ा आओ आओ की आवाज़ें लगाता इनकी समातों में खराश करता रहता। जैनब किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। ये खड़े चूल्हे की भी एक अलग कहानी थी कि जिस तरह कश्यप ने पीछे पड़कर ज़िदें करके और 2 वक्त की भूख हड़ताल के बाद सदियों पुराने चूल्हे से जान छुड़ाई थी, जैनब तैयार होलिए में थी और शायद लेट भी हो रही थी। उठ गई तो मैं समझी आज तुम्हें जाना ही नहीं, जैनब नाश्ता बनाते मसरूफ़ लहजे में कश्यप को देख कर बोली। जवाब में वो कुर्सियों पर बैठ गई। सहन का सुर्ख और काले बॉर्डर वाला फर्श धुलने के बाद खूब चमक रहा था। आपने सफाई कर ली, रहने देती मुझे, आज देर से जाना था, मैं खुद ही कर लेती सफाई, इसने कुछ मुरवतन और हमदर्दी में जैनब से कहा। सुबह नमाज के बाद काफ़ी टाइम होता है, तुम्हें अपने भी 10 काम देखने होते हैं, यूँ भी सुबह सफाई करो तो पता ही नहीं चलता गर्मी का ना ही थकावट का। आ जाओ जल्दी से, मुँह हाथ धो लिया हो तो, मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। वो वहीं बावर्ची खाने के कोने में रखी छोटी सी मेज़ पर नाश्ता रखते हुए बोली। कश्यप उठकर अंदर आ गई, कोने में रखे फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर मेज़ पर रखे ग्लास में पानी डालने लगी। हम ये घर नहीं बदल सकते आनी, जैनब के मुँह की तरफ निवाले का जाता हाथ बेसाख्ता रुखा था। इसने गहरा सांस लेके लुकमा वापस रख दिया। चंद लम्हे यूँ ही खामोश बैठी रही, फिर खामोशी से निवाला उठाकर खाने लगी। कश्यप को इसके इतने सरसरी रद्द अमल पर लपक कर गुस्सा आया था। मेरी बात आपके नज़दीक कोई भी वक़्त नहीं रखती, बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती, वो तेज़ आवाज़ में बोली। तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है ना कश्यप, वो बड़े ठंडे लहजे में निवाला हलक से उतारते हुए ठंडे पानी का घूंट भरकर बेसाख्ता बेतासुर लहजे में बोली। आनी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, वो झल्ला कर बोली। तुम्हारा सवाल ही इसमें जवाब मौजूद है, वो फिर से मगन अंदाज में रात के सालन के साथ सादा रोटी करने वाला यूं तोड़कर खा रही थी जैसे इसके सामने मनोसलवा रखा हो। मेरे लिए यह रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, मुझे इस घर तक आती तंगो तारी कबादी से लबरेज गलियों से नफरत हो चुकी है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता, वो जैसे फट पड़ी थी। मैं भी नहीं, जैनब ने इस तरह लहजे को बेतासुर रखा था।
प्लीज़ आनी जब मैं घर की तरफ आ रही होती हूँ, कहते हुए इसकी आवाज़ घुट सी गई आंखों में। तैरती नमी ने ज़ैनब को बेख्तियार चौंकाया था। वो कुछ देर खामोश बैठी, कुछ सोचती रही। इस घर को रेंट पर देकर हम कहीं भी किसी अच्छे मुनासिब इलाके में अच्छा सा घर या अपार्टमेंट किराए पर ले सकते हैं ना। मुझे मज़ीद घंटर में नहीं रहना, मैंने सोच लिया है बस। वो आंखें साफ करती कतई अंदाज में बोली। ज़ैनब अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोटी ख़त्म कर रही थी। चंद निवाले छोड़कर वो चाय के छोटे छोटे घूंट भरने लगी। ठीक है ना आनी, मेरी एक फ्रेंड के फादर की स्टेट एजेंसी है, आज ही मैं इनसे बात करती हूँ। देखिएगा वो 2-4 दिनों में हमें कोई अच्छा सा घर दिखा देंगे। वो इसकी खामोशी को नीम रजामंदी समझी थी, इसीलिए जोश में बोलती जा रही थी। ज़ैनब बहुत दिल जमाई से चाय पी रही थी, जैसे वो कशफ की बात पर बहुत गहराई में गौर व गौस कर रही हो। कशफ, तुम्हारे सेमेस्टर की फ़ीस डिपॉजिट करवाने की लास्ट डेट क्या है? वो चाय का कप तकरीबन खाली कर चुकी थी जब बहुत नरम लहजे में कुछ इस तरह बोली जैसे दोनों में पिछले 10 मिनट से यही बात चल रही हो। कशफ लम्हा भर को होंठ भींच कर रह गई। आनी, मैं आपसे कुछ और बात कर रही थी। वो जब्त भी गुस्से के साथ कर रही थी तो उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मेरी जान, क्या मेरी बात कम अहमियत वाली है? मुझे लास्ट डेट मालूम होनी चाहिए। वो फिर से इसी तरह बोली। अभी हैं 10-20 दिन। वो कोशिश के बावजूद उकताहट को छुपा नहीं पाई। कशफ, मेरी जान, यूँ छोटी छोटी बातों पर खुद को वो नरमी से समझाने जा रही थी जब कशफ जब्त खो बैठी। नहीं है ये छोटी बात बिल्कुल भी, और मेरे लिए किसी घुटनजदा पिंजरे से किसी सैलनजदा कैद खाने के सेल से ज़्यादा तकलीफ दे। आप समझती हैं जिस तरह आप हर तकलीफ व गम से आरी हो चुकी हैं, मुझे भी ऐसा ही कुछ फील होता है। वो फूले सांस के साथ जज्बाती अंदाज में बोलती चली गई। तुम्हें ये घर पसंद नहीं है और तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, जाना चाहती हो ना यहाँ से? वो तो हमल भरे लहजे में ठहर कर बोली। मुझे आपके साथ जाना है यहाँ से, अपने आप को मुझसे अलग मत किया करें, वो बड़ी होशियारी से जैसे इसकी चाल समझकर तेज़ी से बोली। ज़ैनब बेख्तियार मुस्कुरा दी। मेरी जान, औलाद कभी माँ से जुदा नहीं होती, लेकिन बेटियों को एक ना एक दिन जुदा होना ही पड़ता है। ये तो पैदाइश के साथ बेटियों के नसीब में लिख दिया जाता है, माँ बेटी की असली जुदाई। वो भी इसकी तरह जज्बाती अंदाज में बोलने लगी। फॉर गॉड्स सेक आनी, मुझसे ये इमोशनल बातें ना करें, मैं नहीं जा रही कहीं भी आपको छोड़कर, वो गुस्से भरे लहजे में तेज़ी से बोली। खैर ये तो मुमकिन नहीं, एक ना एक दिन तो ये होना ही है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरी बेटी की जान जल्द अज जल्द इस घर से छूट जाए और मेरी प्रिंसेस के लिए किसी आलीशान महल का दर खुले, जहाँ मेरी परी प्रिंसेस बनकर जाए और मलका बनकर राज करे। कहकर उसे प्यार करती जल्दी से बर्तन समेटती किचन की तरफ बढ़ गई। आनी, आप मुझे यूँ बहला नहीं सकती, मैं बच्ची नहीं हूँ, वो मुड़कर तुर्श लहजे में बोली। मेरे लिए वही हो जब पहले दिन तो मेरी गोद में आई थी, वो तो जैसे खो सी गई थी उस लम्हों में। मैं मगर फैसला कर चुकी हूँ कि अब हमें इस माँ ये घर बदल लेना है। बस, वो माँ को यूँ खोते हुए देखकर हतमी अंदाज में बोली। ज़ैनब ने जल्दी से सिंक में अपने नाश्ते के बर्तन धोए। ओफो, मैं धो लूँगी ना, आप लेट हो रही हैं, सारी छींटे पड़ रही हैं कपड़ों पर, छोड़ें बस। उसने आगे बढ़कर टूंटी बंद कर दी। ज़ैनब तौलिए से हाथ साफ करती खामोशी से बाहर जाने लगी। कशफ, एक फैसला मेरा भी है, मैं इस घर से मर कर ही निकलूँगी। उम्मीद है तुम मेरे फैसले का एहतराम ज़रूर करोगी और चंद माह मज़ीद मेरी खातिर इस घुटन ज़दा कैद खाने में गुजार लोगी। इंशाल्लाह तुम्हारे लिए आगे बहुत रोशन घर, बहुत रोशन ज़िंदगी मुंतज़िर है। मुझे आज वापसी पर देर हो जाएगी, तुम दोपहर का खाना खा लेना, फ़ी अमान अल्लाह। कहकर वो कशफ का जवाब सुने बगैर तेज़ी से बाहर निकल गए। कशफ इन्हीं कदमों पर खड़ी माँ को जाता देखती रही। रिदा ऑफिस में बैठी बर्फ रफ्तारी से कंप्यूटर पर काम करते हुए वक्फे वक्फे से साइड पर पड़ा कॉफ़ी का मग उठाकर लबों से लगाती और घूंट भरकर वापस रख देती। यकदम इसकी तेज़ी से चलती उंगलियां ठटक कर रुकी। इसने गहरा सांस लिया और मुड़कर देखे बगैर हल्का सा मुस्कुराई। वैसे ये तुम्हारी बड़ी गंदी आदत है, तुम बगैर बताए खामोशी से पीछे आकर खड़े हो जाते हो, वो बोलते हुए फिर से काम करने लगी। एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे बराबर में खड़ा हूँ और तुम्हारे बिल्कुल पास, और तुम्हें फिर भी पता नहीं चला, वो शिकायती अंदाज में कहता इसके सामने आकर टेबल से कमर टिकाकर उसे वालेहाना नज़रों से देखने लगा। पता ना चले मुझे तुम्हारे पास होने का, ऐसा क्या हो सकता है? वो शर्मीली सी मुस्कुराहट होठों में दबाकर बगैर देखे बोली। अगर ऐसा हो गया तो? इसका सवालिया अंदाज चुकता हुआ सा था। रिदा ने बेख्तियार हाथ उठाकर इसकी तरफ देखा। तो समझ लेना तुम्हारे खुलूस, तुम्हारी चाहत में ही कुछ कमी रह गई होगी, वो कुछ जताते हुए कह रही थी। लगता है तुमने आईना देखना छोड़ दिया है, वो इसके चेहरे पर नजरें जमाए कुछ जता रहा था। सच कहा तुमने, आईने की अब ज़रूरत ही नहीं रही, जब से तुम्हारी आंखों में अपना चेहरा देखना शुरू किया है लगता है जैसे सब आईने झूठ बोल रहे हों। वो रुक रुक कर अपने दिल के सारे जज्बात यहाँ कर गई थी और अब जैसे मुंतजर सी बैठी थी। तो फिर बेयकीन सी क्यों हो? जो तुम्हें मेरी चाहत में कमी महसूस होने लगी है, वो भी जवाबन पिछला हिसाब चुकाने लगा।
پلیز جبران، وہ اس کی وارفتگی سے جزبز ہو کر سمٹی تھی۔ میں تمہیں سب کچھ بتا چکی ہوں، اب مزید دیر کی گنجائش نہیں ہے، پھر شاید ہم دونوں کے پاس سوال جواب کا بھی وقت نہ بچے۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہ کر آہستگی سے کچھ جتاتے ہوئے بولی۔ جبران ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ کیا اس کے پاس میری بات کا جواب نہیں ہے؟ ردا نے بے چین ہو کر دیکھا۔ ردا، میری مجبوری، وہ بولنے لگا تھا۔ پلیز ایسی کوئی بات نہ کرنا جس کا اختتام محبت کے اختتام پر ہو، وہ تڑپ کر بولی۔ میں کوشش کر رہا ہوں نا، مجھے صرف چند دن اور چاہیے، وہ متلجی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ردا اس کے چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھتی، جیسے سچائی تلاش کر رہی تھی۔ اگر دیر ہو گئی تو؟ اس کے لہجے میں اندیشے لرز رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا ہے، میں گھر جا کر امی سے بھائی سے بات کروں گا۔ وہ رک کر تفصیل بتانے لگا۔ مگر تمہارا بھائی تو ملک سے باہر ہے، اس سے تو تم یہاں سے بھی بات کر سکتے ہو، بلکہ اس سے بات کرنے کی ضرورت شاید اتنی نہیں جتنی تمہاری امی، اگر صرف وہی آ جائیں تو۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ امی سے میں ڈائریکٹ بات کر ہی نہیں سکتا، بھائی ہی امی سے بات کریں گے، وہ شاید اسے اصل بات سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ ردا نے الجھ کر اسے دیکھا اور کمپیوٹر کی اسکرین پر آتا کوئی پیغام دیکھنے لگی۔ لنچ پر بات کرتے ہیں، وہ کہہ کر تیزی سے چلا گیا۔ ردا خالی خالی نظروں سے اسکرین کو دیکھتی رہی۔ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ وہ سر جھٹک کر تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی۔ آ، بہت اونچی آواز میں کبوتروں کو بلاتے ہوئے جگنو بلا واسطہ انداز میں اب کچھ اور بھی معنی خیزی سے بولنے لگا تھا۔ کشف جھلاہٹ بڑے انداز میں تاروں پر لٹکے چند کپڑے جلدی جلدی ہاتھ مار کر اتارتی جاتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ یونیورسٹی کے لیے نکلنے لگی تھی، تب ہی زینب کا تاکیدی فون آ گیا تھا کہ اوپر چھت پر کچھ کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے تھے، برسات کا موسم ہے، کسی وقت بھی بادل آ سکتے ہیں، تو وہ جانے سے پہلے کپڑے اتارتی جائے۔ اور اب اس کے کپڑے اتارنے کے دوران وہ جگنو بالکل ہی جیسے بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ اس کا آخری کپڑے پر ہاتھ تھا، ٹوکری بھر چکی تھی۔ سنو کشف، وہ لحاظ اور تکلف کی ساری دیواریں پھلانگ کر دونوں چھتوں کے درمیان موجود چھوٹی سی منڈیر کے بالکل پاس کشف کی پشت کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے دھیان میں اچھل کر رہ گئی تھی۔ بادشاہو، ایسا بھی کیا غرور مانا، بڑا حسن ہے، بڑا جوبن ہے، ہم جیسوں کو کیوں منہ لگائیں گی آپ؟ وہ اس کی خاموشی کی شہ پا کر مزید پھیلا تھا۔ کشف نے کپڑے ٹوکری میں زور سے ٹھونسے۔ یہ بکواس کس کے ساتھ کر رہے ہو تم؟ بولنا ذرا پھر سے، تیش بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے ایک طرف پڑی آدھی ٹوٹی اینٹ اسے مارنے کے لیے اٹھائی تھی۔ وہ کشف سے اس رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ارے ارے، کیا ہو گیا؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا تمہیں جو یوں پاگلوں کی طرح مجھ پر اینٹیں برسانے لگی ہو؟ وہ برق رفتاری سے درمیان کی منڈیر سے پیچھے ہٹا۔ کبھی کچھ ایسا ویسا کہنے کا سوچنا بھی مت، یہ سمجھ کر کہ میں کمزور ہوں یا لڑکی ہونے کے خوف سے تمہارا لحاظ کر جاؤں گی۔ وہ اینٹ بھی ابھی بھی پکڑے ہوئے غرا رہی تھی۔ اچھا، کیا کر لو گی بھلا؟ وہ کمینے پن سے اسے آنکھ مار کے بولا۔ اس کی اس حرکت پر کشف کا غصہ اس کے قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے شدید تیش میں اس کی طرف پوری طاقت سے اینٹ ماری دی۔ وہ بالکل بھی اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے تیزی سے اچھلا، اس کا سر اور گردن تو بچ گئی، اینٹ اس کے پاؤں پر پورے زور سے لگی تھی۔ وہ اسپرنگ کی طرح اچھلتا، منہ سے تکلیف بھری آوازیں نکالتا، پیر پکڑ کر زمین پر جھکتا چلا گیا۔ آئندہ ایسی کوئی بھی گھٹیا حرکت کرنے سے پہلے ہزار بار نہیں تو 500-700 بار ضرور سوچ لینا۔ میں ان تنگلیوں میں رہنے والی کوئی پیار و محبت کو ترسی تھرڈ کلاس ان پڑھ ہیروئن نہیں ہوں، وہ غصے میں اونچی آواز ہونے کی پرواہ کیے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ جگنو زمین پر بیٹھا، پیر ہاتھوں میں دبائے ابھی بھی تڑپ رہا تھا۔ دوسرے لمحے کشف کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ جگنی کے پیر سے خون تیزی سے بہہ کر زمین پر اکٹھا ہو رہا تھا۔ مائی گاڈ، یہ تو سچ مچ زخمی ہو گیا۔ اس نے جلدی سے کپڑوں کی ٹوکری اٹھائی اور چھت سے نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگائی۔ پھر خیال آیا، اس نے دروازہ تو بند کیا ہی نہیں، ٹوکری وہیں رکھ کر تیزی سے آ کر چھت کے دروازے کو کنڈی لگا کر اندھیری سیڑھیاں پھلانگتی گرتی پڑتی نیچے کی طرف بھاگ گئی۔ جگنو کی ماں اس محلے کی سب سے لڑاکا عورت تھی۔ اب اس کا لاڈلا یہ زخمی پاؤں لے کر ماں کے پاس گیا تو وہ عورت شام تک کشف اور زینب کا اس محلے میں اشتہار لگا دے گی۔ پھر تو آنی مجھے چھوڑیں گی نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے خالہ بطول کے شور شرابے اور گھٹیا پن سے بھاگنے کے لیے آنی واقعی یہ محلہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ آئیڈیا، اس نے جوش میں خود ہی چٹکی بجائی تھی۔ کپڑوں کی ٹوکری کمرے میں پھینک کر اپنے بیگ میں ضروری چیزیں ڈالتے ہوئے وہ جوش میں خود ہی پلان کرنے لگی۔ اگر میں اس طرح کے 2-4 پنگے اور لے لوں ان منحوس محلے والوں سے تو آنی کیا پتہ یہ محلہ چھوڑنے پر راضی ہو جائیں، یا تو یہ محلے والے خود ہی ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ اس کے چہرے پر جوش کی سرخی تھی۔ ایک نظر آئینے میں خود کو آخری بار دیکھ کر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے بیگ کندھے پر ہاتھ میں کتاب پکڑے وہ باہر جانے لگی۔ اف یار، چابی تو پکڑی ہی نہیں۔ وہ اجلت میں مڑ کر چابی لینے باہر کی طرف لپکی اور دروازہ کھولتے ہی دھک سے رہ گئی۔ 8th A، واٹس پرابلم ود یو، پلیز کیپ کوائٹ،
बी साइलेंट एट ए। उसे अपनी आदत के बरखिलाफ गला फाड़ कर चीखना पड़ रहा था। स्कूल में दाखिल होते ही उसे प्रिंसिपल का बुलावा आ गया था। अभी क्लास की हाजिरी लेने के लिए इसने रजिस्टर खोला ही था कि प्रिंसिपल के बुलाने पर स्टूडेंट्स को मिन्नत और रौब दोनों के अंदाज में खामोश रहने और अपना टेस्ट दोहराने की ताकीद करके वो बाहर निकली थी। और अब बरामदे ही से बच्चों के शोर और आवाज़ों से पूरा कॉरिडोर गूंज रहा था। वो जितनी देर तक क्लास में पहुंची, रास्ते में आती पांचवी क्लास की टीचर ने उसे नाराज़ फहमायशी नज़रों से घूरा था। इसका मूड पहले ही ऑफ था। ज़िंदगी कहीं भी रियायत नहीं दे रही थी। हालांकि इसने ज़िंदगी से ऐसी कोई भीख मांगी भी नहीं थी, लेकिन अक्सर ही यह ख्वाहिश मुजोरी के साथ दिल में हुमकती, काश कहीं तो उसे भी रियायत मिले। कोई स्पेशल रवैया, कोई ख़ास मोहब्बत, किसी की इनायत भरी थपकी, सताइश भरी तौसीफ, कुछ तो इसके हिस्से में भी आए। प्रिंसिपल ने इसके महज आज लेट आने पर जिस तरह इसकी सरजनिश करी थी, वो जैनब की पिछली सारी शानदार कारकर्दगी, इसकी पंक्चुअलिटी सब यकजुम्बिश कलम नज़रअंदाज कर दी गई थी। सच में इसका दिल रो रहा था। कशफ और रवैया एक ही बेटी और वो भी इससे खुश नहीं थी। इसके साथ ज़िंदगी ने बहुत दरमियाने दर्जे का, बल्कि इससे भी कमतर रवैया रवा रखा था। वो दूसरे तीसरे दर्जे पर तो कभी आई ही नहीं थी, पहले दर्जे की ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन जिस तरह इसकी मेहनत, इसके खलूस, इसकी बेरियाया मोहब्बत को दुनिया ने ठोकरों में रखा हुआ था, अब तो वो हर चीज़ से बेजार हो चली थी। वो अब ज़ोर से डेस्क बजा रही थी, हाजिरी का रजिस्टर खोल रही थी। अब कहीं से उड़ता हुआ कागज़ का जहाज़ इसकी पेशानी से आकर टकराया। उसे यूं लगा जैसे किसी ने तीर दे मारा हो। रजिस्टर ज़ोर से बंद करती वो सर झुकाकर बैठी, बाजार शरीफ बा अदब बनी थर्ड लास्ट लाइन के सर पर जा पहुंची। ये ग्रुप क्लास में सबसे ज़्यादा शरारती था। किसका जहाज़ था ये? वो इसके सर पर जाके गरजी। वो पांचों सर झुकाए यूं बैठे थे जैसे अब कभी सर उठाएंगे ही नहीं। ओके, कोई नहीं बोलेगा तो मैं आप पांचों को प्रिंसिपल के पास ले जाती हूँ, फिर तो तुम पांचों बोलोगे फरफर। गुस्सा जब्त करते करते वो जैसे फट पड़ी थी। इन पांचों ने नीची नज़रों से एक दूसरे को देखा। सॉरी मैम, वो एक ज़बान बोले थे। ये किसका प्लान था? हूज प्लान इज़ दिस? वो माफ़ करने के मूड में नहीं थी। सॉरी मैम, उन्होंने ढिटाई में मास्टर्स कर रखा था। ज़ैनब ने होंठ को चलते हुए बेबसी से उन्हें देखा। आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस मैम। वो बस इन्हें घूरती रही। तो तुम नहीं बताओगे ये घटिया हरकत किसने की? मैम, ये रयान ने फेंका था आपकी तरफ, मैंने खुद देखा था। फर्स्ट रो से उर्वा बोली थी। दोनों की दुश्मनी फोर्थ क्लास से चली आ रही थी। दोनों के बाप भी कारोबारी रकीब थे। रयान को प्रिंसिपल के पास ले जाने का मतलब शेर की कछार में हाथ डालने के बराबर था। वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ ना तो फिर मैं बिल्कुल लिहाज नहीं कर लूँगी। सुन लें आप पाँचों, ज़ैनब के पास जान छुड़ाने का वाहिद तरीका यही था। वो कमज़ोर सी वार्निंग देकर वापस मुड़ गई। वो जानती थी जिस तरह रयान ने उर्वा को मुंह पर हाथ फेंककर धमकी लगाई थी, और अब ब्रेक में जो कुछ होगा। थैंक गॉड मेरी ब्रेक में ड्यूटी नहीं है, भाड़ में जाए मेरी तरफ से ये सारे। वो दिल ही दिल में तनफ्फुर भरी बेजारी से क्लास का रोल कॉल लेने लगी। खैर, ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हारी आज़र से इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई हो। सोनिया ने जल्दी जल्दी फ्रूट काट कर छोटे से प्याले में रखा और इस पर काली मिर्च रखते हुए ताहिरा बेगम के आगे किया। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में शक का इजहार किया। अम्मा जान, आपके कहने पर मैंने खुद आज़र से बात की थी। वो मोहतात लहजे में बोली। आज़र की गैर मौजूदगी उसे हमेशा मुश्किल में डाल देती थी। वो इसको बगौर देखते हुए ज़रा सा फ्रूट फोंकने लगी। क्या कहा आज़र ने? वही हुक्मरान अंदाज, इसी तरह टाल कर गए। पहले ऑफिस के काम में मसरूफ़ रहे, फिर उन्हें नींद आ गई। कहने लगे मुझे सुबह बात करना। सुबह जिस तरह आपके सामने वो बात कर रहे थे, वो आपने देखा ही। सोनिया ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में सफाई पेश की। ताहिरा बेगम सर हिलाते हुए खामोशी से फ्रूट खाने लगी। दोपहर के खाने में आपके लिए क्या बनवाऊँ? वो जल्दी से इनके पास से उठकर चली जाना चाहती थी। और ख़ुद तुम्हारी अपनी क्या राय है? उन्होंने डायरेक्ट इससे सवाल कर डाला। मैं क्या कहूँ अम्मा जान, वो मुभम अंदाज में कुछ बेबसी से बोली। क्यों, बेटी को बिहाना नहीं? तालीम मुकम्मल हो गई, जॉब भी खैर से करने लगी है। रोज़ सुबह को बाप की तरह ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाती है। हाथ में गाड़ी है, जहां दिल चाहे चली जाए, कोई रोक टोक नहीं। क्या इतनी आज़ादी मुनासिब होती है लड़कियों के लिए? सोनिया इनके इस लेक्चर की बहुत दिनों से मुंतज़र थी। जब से रिदा ने जॉब की थी, सो आज इनके हाथ ये मौका आ ही गया। अम्मा जान, उसे कुछ समझ नहीं आया जवाब में क्या दलील पेश करे। और अब ये ना कहना कि ज़माना बदल गया है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए ज़माना कभी नहीं बदलता। वो उसे फ़ौरन टोक कर बोली। और सोनिया से बेहतर ये कौन जान सकता था कि औरत के लिए ज़माना कभी नहीं बदलता, ना ज़माने के उसूलों ज़ाब्ते। वो सर्द सी आह भर कर रह गई। कोई एतराज़ तो नहीं है तुम्हें सुलेमान के रिश्ते पर? वो अब बराह रास्त मौजू पर आ गई। खुदा ना ख्वास्ता, मुझे क्यों एतराज़ होने लगा सुलेमान के रिश्ते पर? अब भी वो खामोश रहती तो ताहिरा बेगम सारा मलबा इस पर डाल देती कि सोनिया ही नहीं चाहती बेटी का यहाँ रिश्ता हो।
शाइस्ता मेरी भतीजी है, सुलेमान इसका एक इकलौता बेटा है, बाहर के मुल्क का पढ़ा लिखा, शुरू से लंदन में रिहाइश। इसके बावजूद जिस तरह शाइस्ता ने इसकी परवरिश की है, मैं पिछले साल उम्र से वापसी पर 22 दिन उनके यहाँ ठहरी थी। इस बच्चे के नेक अतवार और मशरक़ी आदाब देखकर तो मेरा दिल वहीं बाग बाग हो गया था। सिर्फ मुँह से खुद नहीं बोला मैंने, वरना मैं पिछले साल से उसे रिदा के लिए पसंद कर चुकी थी। वो तो मेरे अल्लाह ने मेरी लाज रखी, शाइस्ता ने खुद ही रिदा की झोली फैलवा दी। वो जोश में बोलती चली गई, जी आपने बताया था, सोनिया इसके सवाल करती खामोशी पर यही कह सकी, ठीक है आज रात तक आज़र से बात करो और मुझे हाँ में जवाब दो, वरना कल मैं शाइस्ता को अपनी तरफ से हाँ कर देती हूँ, वो इसी महीने आ रही है, सादगी से मंगनी होगी और साथ शादी की डेट कर देंगे, महीने भर के लिए आएगी कह रही थी। फुप्पो मैं रिदा को साथ लेकर जाऊँगी, रुख्सत करवा कर बार बार आना मुश्किल होता है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए भला, ठीक है ना, इनका बस नहीं चल रहा था, वो सोनिया के मुंह से अभी हाँ निकलवा लें, ठीक है मैं आज़र से बात करती हूँ, आप भी कर लीजिएगा, फिर वो जो कहेंगे ठीक होगा वही। वो रुक गई, समझ में नहीं आया कि आगे क्या बोले। हाँ मुझे बात तो आज़र से ही करनी है, तुमसे तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम बेटी की माँ हो, अपने अंदाज में रिदा से कह दो कि आजकल मैं नौकरी से इस्तीफ़ा देकर घर बैठे सर पर आ गया है ब्याह, इस तरह दफ्तरों और सड़कों पर मारी मारी फिरती रही तो शादी में खाक रूप आएगा इस पर। तो गोया वो सब तय कर चुकी थी, और ये तो सोनिया को अंदाज़ा था कि रिदा को ये मल्टीनेशनल कंपनी में इतनी अच्छी जॉब जो मिली है वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगी, और शादी के बाद मुल्क से बाहर जाना, पता नहीं क्यों सोनिया को लगता था शायद रिदा ना माने, और ये तो तय है, ताहिरा बेगम जो ठान लेती थी होता तो वही था, रिदा को एतराज़ होगा भी तो वो बेफ़ायदा होगा। अम्मा जान ठीक कहती हैं, औरत के लिए ज़माना कभी नहीं बदलता, वो बेदिली से किचन के काम निपटाने लगी। कश्यप गली से गुजरती और फिर इनके दरवाजे के आगे खड़ी बतूल खाला को देखकर परेशान हो गई, ये जुगनू मनहूस इतनी जल्दी सीढ़ियां उतरकर आ भी गया जख्मी पैरों के साथ, मरा भी नहीं रास्ते में। वो बतूल से नजरें चुराकर रुख फेरकर दरवाजे को लॉक लगाने लगी। माँ चली गई तुम्हारी स्कूल, वो फटी दरिश्त आवाज़ में पूछ रही थी। जी चली गई, वो मुड़े बगैर बोली। और तुम कहाँ जा रही हो माँ की गैर मौजूदगी में यूँ बनठन कर, वो कमर पर हाथ रखे बड़ी तनकीद भरी नज़रों से उसे घूर रही थी। कश्यप को तो लगा इसके पूरे दिमाग में आँखसी लग गई हो। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ खाला, और प्लीज़ बोलने से पहले कुछ सोच दिया करें, बमुश्किल तैश जब्त करते करते वो खुरदरेपन से कह गई। अब तुम सिखाओगी मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं, और खाला बतूल को तो सिर्फ हर्फ या नुक्ते की ज़रूरत होती थी, बाकी की पूरी किताब तो वो बस चुटकियों में खड़े खड़े छाप देती थी, और बदकिस्मती से कश्यप उससे पूरा इब्तदाइया फराहम कर चुकी थी। जब तुम्हारी माँ को होश नहीं होगा और जवान छोकरी खास इसके जाने बाद यूँ तैयार होकर पुरेसरार अंदाज में कहीं जाती है तो क्या मोहल्ले वाले भी खबर ना रखेंगे। महाज खुल चुका था और तीन घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे खुल रहे थे। एक बार तो कश्यप को पसीना आ भी गया, मगर डरने का मतलब तो कुछ और था। मोहल्ले वाले मेरे बाप लगते हैं जो मेरे आने जाने की खबर रखें, वो भी दुबदू चिल्लाकर बोली। अरे तुम्हारा बाप होता तो रोना ही काहे को था, खुद तो खुदा जाने कहाँ मुँह छुपा के किसी कोने खुदरे में जा छुपा है, जिंदा भी है या मर गया या झूठ ना बुलवाए अल्लाह। तो बतूल की पाटदार आवाज़ अब इर्द गिर्द घरों के पिछले कमरों और कोठरियों में भी पहुँच रही थी। 19 साल कम नहीं होते जो कोई पलट कर खैर खबर ना ले, कोई तो भेदभाव हुआ होगा ना इसके गायब होने में, तेरी माँ तो गूंगी बनी अंधी बनी लोगों को पागल बनाती बल्कि समझती है, दीवारों से लगी लगी शाम ढले आती है और घर में छुपकर बैठ जाती है। वो बात को कहां से कहां ले जा रही थी। कश्यप का जिस्म शदीद गुस्से और जज्बातीपन में कांपने लगा। तो जाए ना, दफा हो जाएं आप भी अपने घर, मैं आपका घर नहीं कोई जो आवारा कुत्तों की तरह गलियों में फिरती लोगों के दामन खींचती रहती हैं और कोई पत्थर मारे तो बिलबिलाती हैं। कश्यप ने भी कसर नहीं छोड़ी, बतूल का मुंह खुले का खुला और आगे जैसे बाहर उबलने को थी। बतूल की 50 साल आवारा गर्द मुहिम में किसी ने इन्हें ऐसी गाली तो कभी नहीं दी थी। कश्यप आ जाओ भाई, पता नहीं बिलाल कहाँ से फरिश्ता बनकर इसकी मदद को आया, पीछे खड़ा पुकार रहा था। कश्यप की आंखों के सामने अंधेरे के साथ कुछ तारे से टिमटिमा रहे थे, इससे पहले ये तारे अंधेरा पूरी तरह से इसके दिमाग को सुन कर देता, वह जमा होती औरतों को परे धक्के देती, इनमें से रास्ता बनाती, तेजी से बिलाल की तरफ लपकी थी और फिर मुड़कर बिलाल को भी देखे बगैर अंधाधुन रश पे टूटी फूटी तजावजात से भरी गलियों में तकरीबन भागने लगी। अरे ठहर रुक, आज तो मैं तुझे बताऊंगी मैं कौन हूँ इन गलियों में, तुझे इस सारी बकवास का मजा ना चखाया तो तुम दोनों माँ बेटी मेरा नाम बदल देना। बतूर पीछे पागलों की तरह चिल्ला रही थी, तुम क्या इन सबको इकट्ठा करके बंदर का तमाशा दिखा रही थी जो ये भीड़ लगा रखी है। बिलाल भागता इसके साथ चलता पूछ रहा था, और कश्यप के पास ना रुकने का वक्त था ना जवाब देने का।
वैन में बेतहाशा रश था। इसने जिस तरह रश में घुसकर बस में सीट हासिल की थी वही जानती थी। बस यूँ तो एयर कंडीशन थी मगर इसका एसी जाने कहाँ कूलिंग कर रहा था। हफ्स और गर्मी की वजह से इतने लोगों की मौजूदगी नाकाबिले बर्दाश्त थी। जैसे ही बस इसके मतलूबा स्टॉप पर रुकी, बाहर तेज़ धूप के बावजूद उसे खुली सड़क पर आना अच्छा लगा। सड़क के दूसरे किनारे पर गहरी छाया थी। वो धूप में खड़ी आंखों पर हाथ का छज्जा बनाए छांव वाले किनारे को देख रही थी। बचपन में इसके खेल की दीवानगी का सबसे बड़ा हिस्सा यह धूप छांव का खेल था। बरसात के दिनों में जब वो सखियों के साथ गलियों में खेलती तो दूर गली के कोने में छांव होती। वो लोग भाग भाग कर छांव तक पहुंचते, धूप चालाकी से इनसे पहले पहुंच जाती और जहां से वो भाग कर आते थे वहां बादल का टुकड़ा छाया कर चुका होता। इतनी तेज़ चमकती धूप में खड़े भी बचपन की इस मामूली याद को याद करते इसके होंठ मुस्कुरा दिए। सड़क की दूसरी तरफ हैदर भाई का ऑफिस था। चूँकि अखबार का ऑफिस था तो पार्किंग अलहदा होने के बावजूद गाड़ियाँ और बाइक सड़क के जंगले तक पार्क की गई थी। वो रश में महतात अंदाज में चलती रिसेप्शन से होकर हैदर भाई के ऑफिस तक पहुंची। वहां पहले से कुछ लोग बैठे थे। वो वहीं से पलटाई एक तरफ पड़े सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठकर सोचने लगी। पता नहीं हैदर भाई ने उसे देखा भी है या नहीं, वरना इनके ये फारग मेहमान तो दिन भर बैठे रहेंगे। वही सियासत के ना ख़त्म होने वाले किस्से और वही लंबी लंबी गप्पें। वो बेजार सी बैठी रही। पियन इसे जानता था, फौरन चाय का पूछने आया तो इसने मना करते हुए उसे हैदर भाई को इसके आने का बता देने का कहा। वो ज़रा देर में बाहर निकलकर कुछ बताए बगैर दूसरी तरफ जाती सीढ़ियों से ऊपर चला गया। क्या मुसीबत है और कितना इंतज़ार करना होगा मुझे, खुद ही तो मैसेज करके बुलवाया था। इसने झल्लाकर हैदर को मैसेज किया, आपको सर अंदर बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद इनका असिस्टेंट आकर कह गया। वो गहरा सांस लेकर अपना हुलिया ठीक करती अंदर चली गई। वो खिड़की से बाहर देखते हुए पलकें भी नहीं झपक रही थी। इसके खिलाफ मामूल खामोशी पर बिलाल भी कुछ ठटक गया। रो रही हो तुम, इसने छेड़ने को कहा। यह मंजर देखने के लिए तुम्हें कयामत तक जीना होगा मिस्टर बिलाल, वो फौरन तड़क कर बोली और बेसाख्ता हंस पड़ा। हाँ तो वहाँ तो खूब मशमा लगाकर दाद वसूल कर रही थी, वो फिर भी बाज नहीं आया। कशफ के चेहरे पर साया सा आकर गुजर गया। यार जाहिल लोग हैं, मत इनसे उलझा करो। ज़रा देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो नरमी से बोला, खैर इतने भी जाहिल नहीं हैं। सवाल तो बोलते ही वो रुक गई। सवाल क्या, बिलाल मुंतजर लहजे में पूछा। कुछ नहीं, तुम आज मुझे लेने कैसे आ गए, ऑफिस नहीं गए क्या, वो सफाई से मौजू बदलते हुए पूछ रही थी। ऑफिस के काम से इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारे हाथ की चाय ही पी लेता हूँ। बकवास, वो जेरे लब बोली। क्या तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीता मैं, वो फिर छेड़ कर बोला। मत भूलो तुमने अभी तक जॉब की ट्रीट भी नहीं दी जो चाय की फरमाइश कर रहे हो। इसका नाम भी कशफ था, वो भूलने वालों में से नहीं थी। ये तो समझो पार्ट टाइम है, मैंने जस्ट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए की थी। वो भी बिलाल ही था, बेवकूफ़ किसी और को बनाना, वो हवा में मक्खी उड़ाकर बोली। एक बन गई क्या ये काफ़ी नहीं, वो मायने खेजी से बोला। कौन कौन बन गई तुमसे बेवकूफ़, नाम बताओ मुझे ज़रा उसका, अभी फ़ौरन वो बेसब्रेपन से बोली। इसका नाम तो मैं अपनी माँ को बताऊँगा, तुम्हें क्यों बताऊँ भला, वो इसके बेसब्रेपन का मज़ा लेकर बोला। ठीक है माँ को ही बताना, और जो कोई तुमसे ओंगी बोंगी लड़की पसंद कर चुके हो तो फिर जूते भी खुद उसी को खाना, वो कंधे उचकाकर बोली। तुमसे किसने कहा कि मैंने कोई लड़की पसंद कर ली है, वो फौरन पैंतरा बदल कर बोला। कशफ ने उसे घूर कर देखा। एक मशवरा दूँ, तुम बड़े कच्चे खिलाड़ी हो, डबल गेम तो क्या खेलोगे, बेहतर है सिर्फ इस काम पर फोकस करो जो तुम कर सकते हो। वरना वरना क्या, वो गाड़ी रोकते हुए बोला, वरना मुंह के बल गिरोगे, कहकर वो उसे मुंह चढ़ाती गाड़ी से उतरकर चली गई। एसी की खुनक हवा में इसका पसीना भी खुश्क हो चुका था और मिजाज भी बेहतर हो चुका था। हैदर बहुत मसरूफ था, कुछ बहुत अहम न्यूज़ इसके पास एडिट के लिए आई थी, वो इन्हीं में जुटा हुआ था। क्या मतलब, और कितनी देर में भला, वो चाय का घूंट भरकर कुछ खफगी से पूछने लगी। तुमने मेरा मैसेज शायद पूरा नहीं पढ़ा, वो हनोज कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें जमाए मसरूफ था। पढ़ा था तो आई हूँ ना, वो बेजारी से कहकर बैग से फ़ोन निकालकर चेक करने लगी। और प्लीज़ ये भी देख लो, मैं मुसवद्दा भी साथ लेकर आई हूँ, वो एक बड़े से फूले हुए लिफाफे को इसकी मेज़ पर रखते हुए बोली। हैदर ने चौंककर लिफाफे को देखा और फिर से गर्दन मोड़ ली। अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी जैनब, वो सरसरी लहजे में बोला। भाई क्यों ज़रूरत नहीं थी, पब्लिशर से बात हो गई है तो क्या खाली हाथ का कॉन्ट्रैक्ट लेने जाएंगे, वो कहते हुए फ़ोन पर हैदर का आया मैसेज चेक कर रही थी। शाम में, यही तो तुमने लिखा था कि शाम में जाएंगे, वो मैसेज निकाल कर गौर से पढ़ते हुए चौंकी। हाँ ना, ये मीटिंग का टाइम शाम 6 बजे का है, हैदर इसी तरह मसरूफ लहजे में जता रहा था।
स्कूल में तो तुम्हें पता ही है कितनी मसरूफ़ रूटीन होती है, फिर जैसे ही सेलफोन निकालो पता नहीं इस खड़ूस प्रिंसिपल को कौन सी हवाई चीज़ें बाखबर कर देती हैं, फ़ौरन सर पर पहुंच जाती है। बस स्कूल टाइमिंग में सेलफोन हाथ लगाना किसी की गर्दन छुरी काट देने से बड़ा जुर्म है इस खपती बुढ़िया के सामने। जैनब सख्त बेजार थी प्रिंसिपल से। हैदर का काम मुकम्मल हो गया था, इसने कुर्सी का रुख इसकी तरफ मोड़ लिया। थकी थकी पशमुर्दा सी जैनब के चेहरे को एक मुकम्मल नज़र से देखा, और इस तरह देखना हमेशा इसको मुश्किल में मुब्तला कर देता था। इसने बदिक्कत खुद को संभाल कर जैनब का लिफाफा यूं ही खिसका कर देखना शुरू कर दिया। नींद आई और ख्वाब में तुमको देखा, नींद आई और ख्वाब में तुमको देखा, मैंने इस तरह ख्वाहिश को रूबरू देखा। थोड़ी सी बुलंद आवाज़ में पढ़ते हुए हैदर ने उसे यूँ लातालुक सा बैठे हुए देखा जैसे वो किसी और के अशार पढ़ रहा हो। तुम हमें पाओ या ना पाओ दोनों सूरतों में, तुम हमें पाओ या ना पाओ दोनों सूरतों में हम तुम्हें बेकरार कर देंगे। इतना यकीन था तुम्हें, वो बोझल अंदाज में बेसाख्ता बोला था। जी, जैनब ने बेख्तियार उसे चौंक कर देखा। कुछ नहीं, वो नज़रें चुरा गया। इतनी अच्छी शायरी किसके लिए करती हो जैनब, वो हमेशा की तरह इस बार भी उससे पूछे बगैर ना रह सका। शायद अपने लिए, वो काफ़ी देर बाद सोच कर बोली थी। इतने साल हो गए मगर तुम्हें झूठ बोलना नहीं आया, वो साफ जता कर बोला। सच बोलकर भी तो कुछ हासिल नहीं हुआ, वो शिकस्त भरे लहजे में हाथ की लकीरों को घूरते हुए बोली। पछता रही हो ना आप, वो इससे जाने क्या उगलवाना चाहता था। अब तो कहीं जाकर इन पछतावों से पीछा छूटा है हैदर भाई, वो हल्के फुल्के अंदाज में खुलकर मुस्कुराई। इस सारे वक्फे के दौरान पहली बार वो इसकी आंखों में झांकी थी। हैदर को फिर से नज़रें चुरानी पड़ गई थीं। हम 6 बजे से पहले नहीं मिल सकते, कुछ देर बाद वो लजाजत से बोली। जैनब सरफराज साहब ने मुझसे यही टाइम तय किया था, हम 5:30 बजे निकलेंगे तो 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, वो लिफाफा फिर से बंद करते हुए सरसरी लहजे में बोला। लेकिन अभी तो सिर्फ 3:10 हुए हैं, कशफ भी घर पहुंच गई होगी, वहां भी हमें काफ़ी वक्त लग जाएगा, वो फिक्रमंदी से जहनी हिसाब किताब में लगी हुई थी। देखो अभी ज़रूरी है, पिछले पब्लिशर ने एक तो कीमत इतनी कम दी थी तुम्हारी किताब की, फिर पेमेंट भी रो रो कर दी। इस सरफराज साहब की एक तो सर्कुलेशन बहुत अच्छी है, फिर बुक बहुत बाइज़त तरीके से मार्केट में लेकर आते हैं, सबसे बढ़कर रॉयल्टी के मामले में बहुत साफ़ सुथरे और खरे इंसान हैं। फिर हैदर कम ही किसी की तारीफ़ करता था, यकीनन इस नए पब्लिशर की शोहरत अच्छी होगी, जैनब ने सोचा। बल्कि मैंने सोचा है तुम्हारे अफसानों की किताब दोबारा से और पिछली शायरी की किताब तुम बिन सरफराज भाई से दोबारा पब्लिश करवाएंगे, पिछला कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा ख़त्म हो चुका है इस बाजों से। वो पुरजोश सा था और इसके पुरखलूस होने पर तो उसे कभी शक हुआ ही नहीं। जी, इस महीने ख़त्म हो जाएगा, वो आहिस्तगी से बोली। ग्रेट, ये तो अच्छा हो गया, मैं कर लूँगा बात सरफराज भाई से, वो इसी जोश से बोला। हैदर भाई ये पैसे तो अच्छे दे देंगे ना, वो भी इन टाइम, वो आस भरे लहजे में कुछ झिझक कर पूछ बैठी। उम्मीद तो बड़ी है, आगे अल्लाह बेहतर करने वाला है, वो उसे उम्मीद दिलाकर बोला। एक्चुअली कशफ की सेमेस्टर फ़ीस जानी है, फिर मैं सोच रही थी कोई सेकेंड हैंड अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल जाती, पब्लिक कन्वेंस में बहुत ख्वारी है, फिर घर की मेंटेनेंस के लिए भी कुछ रकम चाहिए थी। उसे कशफ के साथ सुबह वाली बदमस्की याद आई तो वो चुप कर गई। मैं भी समझता हूँ, जिस तरह तुम मेहनत कर रही हो, घर चलाना फिर बच्ची की तालीम के अखराजात बहुत मुश्किल होता है, हम मर्द घबरा जाते हैं घर की गाड़ी को धक्का लगाते अक्सर। तुम तो खैर अच्छा ही होगा मेरा दिल कहता है, वो सर झटक कर फिर से उसे उम्मीद का सर्रा पकड़ाते हुए बोला। लेकिन अभी 2-2.5 घंटे हैं, मैं घर चली जाऊं फिर, वो मुतजब्जब थी। घर जाने में तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा, फिर आने में ये ना हो मीटिंग में पहुंच ही ना सकें, वो सोचते हुए बोला। यहाँ मैं इतनी देर बैठकर क्या करूँगी, वो थक भी बहुत चुकी थी। आप बात कर लें, अगर वो लोग 4-5 बजे का टाइम दे दें तो अच्छा हो जाएगा, वो कुछ देर बाद बोली। ठीक है, बात करके देख लेता हूँ, अब मुश्किल राज़ी होकर नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ सलाम दुआ के बाद बात होने लगी, वो खिड़की के शीशे से सूरज को अपना सफ़र पूरा करते हुए देखने लगी। एक और दिन ढल रहा था, एक और दिन गुजर रहा था, एक और काली रात पर आन खड़ी हुई, जिससे दिन निकलने की आस में कतरा कतरा काटेगी वो तो एक और पहाड़ सा दिन सर उठाए मेरे सामने खड़ा होगा। इसके दिल में अनगही उदासियां पंजे गाड़ रही थी। आज फिर दिल बेजार था, आज फिर दिल को समझाना था, उसे बुरी तरह रोना आ रहा था, मगर होंठ बेचे वो बिल्कुल सपाट चेहरा लिए बैठी थी। पता नहीं अभी अच्छा हुआ है कि बुरा, वो फ़ोन बंद करते हुए बोला। जी, वो अपने ख्यालों की दुनिया से चौंकी थी। आज सरफराज साहब को अचानक आउट ऑफ सिटी जाना पड़ गया, कल सुबह या फिर इवनिंग 3 बजे के बाद जिस वक्त भी हम चले जाएं वो मौजूद होंगे, हैदर बता रहा था, और जैनब का चेहरा बुझ रहा था। कम ऑन, मायूस नहीं होते, मेरी इनसे बात हो चुकी है, वो बात से फिरने वाले नहीं, इंशाल्लाह कल ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इनसे तुम परेशान मत हो, वो इनका बुझा चेहरा देखकर दिलासा देते हुए बोला।
यकीनन इसमें भी अल्लाह की तरफ से कुछ बेहतरी ही होगी। वो बैग उठाकर कंधे पर डालते हुए खुद को संभाल कर बोली, अब कहाँ चल पड़ी, मैं ड्रॉप करवा देता हूँ तुम्हें, बल्कि मेरे साथ चलो प्लीज़। अम्मा तुम्हें कई दिनों से याद कर रही हैं, हैदरत हमेशा की तरह इसकी यूँ अचानक खड़े हो जाने के ऊपर बेकरार हुआ था। मेरा सलाम कहिएगा इन्हें, बस ये एक दो झमेले कम होते हैं तो मैं खुद इनसे मिलने के लिए आऊँगी। कल आप मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा, मैं स्कूल से सीधी आ जाऊँगी। वो अब रुकने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। जैनब रुको तो कुछ देर और, वो खड़े होते हुए बोला। वो इशारे से हाथ हिलाती चली गई। दोनों इस कॉफ़ी शॉप में काफ़ी देर से यूँ ही बैठे हुए थे। दोनों के दरमियान कुछ तनाव की सी कैफियत थी। ग्लास विंडो से भागती दौड़ती ज़िंदगी वक्त की उजलत पसंदी जाहिर कर रही थी, मगर इन्हें लग रहा था जैसे वक्त दोनों के दरमियान ठहर सा गया है। इसकी वजह पूछ सकता हूँ मैं, काफ़ी टाइम के बाद वो कुछ तलखी से बोला। क्या वजह भी मुझे ही बतानी होगी जिब्रान, यूनिवर्सिटी के टाइम से हम दोनों साथ हैं, मैंने तुमसे कभी कुछ पूछा ना कुछ छुपाया। रिदा के लहजे में शिकायत थी। क्या मैं तुमसे झूठ बोलता रहा हूँ, वो भी तुरशी से इसके बात काटते हुए बोला। हम यहाँ सिर्फ गिले शिकवे करने या लड़ने के लिए बैठे हैं, फ़ोन पर बजती मुसलसल मैसेज की टोन ने रिदा को याद कराया कि इसका ऑफिस टाइम ख़त्म होने में काफ़ी देर हो गई है और सोनिया इसका इंतज़ार बेचैनी से शुरू कर चुकी होगी। प्लीज़ बताओ तुम क्या कर सकते हो, वो बात निपटाने के घर से उजलत भरे लहजे में पूछ रही थी। दुआ करो मेरे पर निकल आए, मैं उड़कर चला जाऊँ, बल्कि इन्हीं परों के साथ अम्मी को बांध कर भी ले आऊँ। फ़ौरन से पहले रिश्ता डालें और तुम्हारी फैमिली का खाना का इंतज़ार किए बगैर तुम्हें इन्हीं परों में लपेट कर रुख्सत करा के हम ले जाएं, अब यही मुमकिन है, वो छिड़कर बोलता चला गया। इसकी तंज भरी नाराज़गी और अपनी बेबसी पर रिदा को एकदम से रोना आ गया, अगरचे वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। रिदा को रोना तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसकी आंखों के कटोरे शफाफ पानियों से लबरेज हो गए। जिब्रान ने यूं ही बाहर देखते उसे देखा तो चौंक गया, फिर मोहतात नज़रों से इधर उधर देखते सरगोशी भरी मिन्नत की, प्लीज़ रिदा इस तरह मत करो यार, प्लीज़ आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी यार, तुम्हें मैंने नहीं बताया कि आज बॉस के बच्चे के साथ मेरी लड़ाई होते होते बची है। सिर्फ इस ख्याल से मैं सब्र और जब्त के घूट भर कर रह गया कि अगर शानदार जॉब भी मेरे हाथ से चली गई तो मैं किस तरह तुम्हारी फैमिली के सामने खड़े होकर तुम्हारा हाथ मांग सकूँगा, वो तो शायद मुझे अपने गेट के अंदर भी नहीं घुसने देंगे। हल्का सा मुस्कुरा दिया रिदा ने आहिस्तगी से टिशू से अपनी आँखें नरमी से थपथपाकर खुश की थी। थैंक यू, वो वारफ्तगी से उसे देख कर बोला। तो बताओ मैं क्या करूँ, मुझसे सब कुछ हैंडल नहीं होता, वो बेचारगी से हथियार डालकर बोली। यार सिर्फ 2-2.5 हफ्ते 19-20 दिन के लिए तो संभाल ही सकती हो, वो कमीना मुझे 15 दिन के बाद 1 वीक का ऑफ दे रहा है। वो कुछ नहीं बोली, अगर इसकी बात नहीं मानता तो क्या करता, कुछ नहीं, वो गहरा सांस लेकर रह गई। नाराज़ हो गई वो परेशान होकर बोला, जब पिछले दिनों अम्मा की भांजी के बेटे का प्रपोजल नहीं आया था, इस वक्त तुम अपनी मदर को ले आते जिब्रान तो आज सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट होती, वो रुक रुक कर बोल रही थी। सिचुएशन अभी भी मुख्तलिफ होगी इंशाल्लाह, मेरा दिल कहता है तुम बस अपने मामा का माइंड सेट करो, अपने फादर से अपनी बहन भाई से बात करो, वो तो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी बात को समझेंगे, वो उसे समझा रहा था। हम पांचों के वोट एक तरफ, अम्मा जान की हाँ ना एक तरफ, मैं तुम्हें काश समझा सकती, इसकी आवाज़ आखिर में रुंध गई थी। यू मीन वो इनकार कर देंगी, वो चौंक कर बोला, वो कुछ ना बोल सकी। यार वो अपने ही हाथ पर मुक्का मारकर कुछ अजियत और बेबसी से बोला, ये प्यार और मोहब्बत हमेशा अमीर और गरीब के बीच क्यों होती है, हर रोमांस के बीच ये हाई क्लास क्यों आ जाती है। इसकी आंखों में रंज गुस्सा और बहुत सी तकलीफ थी, रिदा उसे देख कर रह गई। हमज़ा सोनिया ने टेनिस किट पहनकर तैयार होलिए में बाहर जाते हमज़ा को देख कर कॉरिडोर में ही रोका, मामा कोई काम है तो सॉरी मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन है, आपका काम बाद में, वो उजलत भरे अंदाज में जान छुड़ाते हुए बोला। हमज़ा बाहर मूड का मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, वो कुछ फिक्रमंदी से बोली, सो वॉट, मुझे तो गाड़ी में जाना और प्रैक्टिस कोर्ट के अंदर है मॉम, डोंट वरी मैं भीगूंगा नहीं, वो मजाक भरे अंदाज में इनके दोनों कंधों को मोहब्बत से दबा कर बोला। प्लीज़ हमज़ा आज ना जाओ, तुम्हें पता है ना ऐसे मौसम में मेरा दिल कितना घबराता है, वो नर्वस सी हो रही थी, और आप चाहती हैं आपके तीनों बेटे और बच्चे और आपके सरताज आपके घर के सारे फैमिली मेम्बर्स आपके सामने दस्तबस्ता बैठे रहें, यकीनन आपने पापा को भी कॉल कर दी होगी, वो माँ के पीले पड़ते चेहरे को देखकर छेड़ रहा था। मत इतनी टेंशन लिया करें, कुछ नहीं होता ऐसे मौसम में, मालूम नहीं आपके दिल में क्या खौफ बैठा हुआ है, वो अब के ज़रा नरमी से बोला। रिदा अभी तक ऑफिस से नहीं आई, मैंने उसे 2 बार कॉल की थी, वो मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं करी, तुम्हारे पापा ने तो कह दिया है कि वो मीटिंग में है, रात से पहले घर नहीं आएंगे, इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, प्लीज़ नहीं जाओ हमज़ा, वो वाकई पीली पड़ रही थी। कमॉन मामा कैसे बच्चों की तरह डर रही हैं आप, ओके मैं नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता, आपके पास यहीं बैठा हूँ, प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं, वो माँ के साथ बैठकर नरमी से इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाने लगा। रिदा ने कभी इतनी देर नहीं की, देखो बाहर अंधेरा सा हो रहा है, अभी तो 6 भी नहीं बजे, वो खिड़की से बाहर फैलती तारीकी को देखकर मुतहव्वुश लहजे में बोली, आप ही रस्ते में होंगी, ठहरे मैं इन्हें कॉल करता हूँ, वो अपने फ़ोन से रिदा का नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ बेल जाती रही मगर कॉल रिसीव नहीं हुई, मुझे लगता है इनका फोर्थ चार्ज नहीं आ जाती है, वो कुछ देर में, अच्छा मुझे घर में रोक लिया है तो मौसम के देखते हुए
मुझे मज़ेदार गर्मा गर्म पकौड़े ही बनवा दें, साथ में चाय और कबाब। वो माँ की तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल करा रहा था। हाँ बनवाती हूँ, बल्कि रमशा को कहकर आई थी वो सुखरा के साथ मिलकर कबाब और चाय बना ले। मगर रिदा गैर जिम्मेदार नहीं है, कभी अपना फ़ोन चार्जिंग किए बगैर रखती नहीं। तुम फिर ट्राई करो। इसका दिमाग वहीं अटका हुआ था। हमज़ा फिर से नंबर मिलाने लगा। रिदा जिब्रान से रुखसत होकर निकली तो इसने मौसम की तब्दीली का नोटिस नहीं लिया। जब गाड़ी इसके ऑफिस के मेन गेट से दूर निकल आई और अपने ख्यालों में गुम थी तो अचानक बादल गरजे और बिजली चमकी। वो बुरी तरह से चौंकी। ये मौसम कैसे एकदम से इतना ख़राब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। वो परेशान सी रश वाले रोड को छोड़कर शॉर्टकट के लिए दो तीन छोटी गलियों के बाद एक काफ़ी वीरान सड़क पर निकल आई। इतने में बारिश पूरी आबोताब से बरसने लगी। इसने परेशानी में किसी शेड या पनाह की तरफ देखते हुए एक तरफ गाड़ी मोड़ दी तो अचानक एक गाड़ी के आगे आया था कोई। इसके मुंह से ज़ोर से वहशत भरी चीख निकल आई। या अल्लाह, आनी कहाँ रह गई, फ़ोन भी नहीं उठा रही, मौसम भी इतना ख़राब हो रहा है, उन्होंने तो इतनी देर कभी भी नहीं लगाई। कशफ बढ़ते हुए अंधेरे, कड़कती बिजली और बादलों की गरज से खौफजदा फ़ोन हाथ में लिए बार बार जैनब का नंबर मिला रही थी। इस वक्त लाइट चली गई, हर तरफ गुप अंधेरा हो रहा था। कशफ को लगा मारे डर के इसका दिल उछल कर हलक में आ गया है। जब बाहर का दरवाज़ा कोई पागलों की तरह पीटने लगा और वो इसके जाने के बाद भी कितनी देर यूं ही खाली बैठा सोचता रहा था। वो हमेशा इसी तरह आती थी और गए वक्त की तरह अचानक से चली जाती थी। मसवदे का लफाफा हाथ में लिए सोचता रहा, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। हैदर अफसरदा बैठा सोच रहा था। रश इतना ज़्यादा था, तीन बसों में उसे जगह नहीं मिली। हब्स इतना था जैसे दम ही घुट जाएगा। इसकी तबीयत भी कुछ अजीब सी हो रही थी, रुक रुक कर चक्कर से आ रहे थे। जब इसने रिक्शा लेने का पक्का इरादा कर लिया तो खाली बस इसके पास आकर रुक गई। वो चंद ही मिनटों में भर गई। वो जैसे ही अंदरून शहर की इन भूल भुलैयों जैसी गलियों के बाहर स्टॉप पर बस से उतरी तो उतरते हुए एक लम्हे को चकरा सी गई। अभी इसके दोनों कदम पूरी तरह ज़मीन पर जमे भी नहीं थे कि ताबड़तोड़ आसमान से मोटे मोटे ओलों जैसे कतरे बारिश की शक्ल में बरसने लगे। वो सड़क के दरमियान में भागती हुई पहुंची। एकदम से सारे में तारीकी हो गई, तेज़ हवा और बारिश का शोर, सड़क पर रश और ट्रैफिक का एकदम से बढ़ जाना। न जाने उसे क्यों चक्कर आ रहे थे। वो जल्द से जल्द किसी साय या शेड की तलाश के लिए सड़क पार करने के लिए भागी। इसका जूता फिसला और जैसे किसी ने पूरी क़ुव्वत से उसे सड़क पर धक्का दे दिया हो। इसके मुंह से ज़ोरदार चीख निकली और बेशुमार गाड़ियों के टायर चरचराए। बारिश बेनियाजी से उस पर बरसती जा रही थी और वो हर सितम से बेनियाज हो चुकी थी। बाकी अगली किस्त में।